हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभय का ज्ञान। आई एम अभय और टुडे आई टेल यू अबाउट नाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आज आपको बताने वाला हूँ नाउन के बारे में, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। तो आप पहले लिखेंगे ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं टॉपिक ले रहा हूँ नाउन। नाउन का मीन्स होता है संज्ञा। इसकी डिफिनेशन सभी को पता होगा, बहुत ही आसान डिफिनेशन है। हमको स्टार्टिंग से बताते चले आते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में और गार्जियन भी, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जहां पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान और थिंग्स मतलब चीजें। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम या किसी चीज के नाम, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर आता है नाउन। इसको लिखते हैं, फिर आप देखिएगा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए कैसा एग्जाम्पल रहेगा। एग्जाम्पल आपका है पहला नेम, सॉरी पर्सन में किसी व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे कि राम, श्याम या अभय। ठीक, फिर आपका आता है प्लेस, किसी भी स्थान का नाम। प्लेस मीन्स स्थान होता है, जैसे कि आगरा, दिल्ली, ऐसे भी किसी स्थान का नाम जैसे टेंपल। ठीक, टेंपल भी मंदिर भी एक स्थान ही होता है। फिर आता है आपका थिंग। थिंग में कोई भी चीज हो जिसे आप चीज के नाम से जानते हैं उसे हम थिंग बताते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हो गया, पर थिंग में आपको जैसे बता दे रहे हैं, लाइक एज आपका हो गया समोसा को समोसा ही कहते हैं इंग्लिश में, तो आप थिंग्स को समोसा ही बोल सकते हैं। बुक हो गया, और जैसे बेड हो गया या कुछ भी आप ले सकते हैं, बुक, बेड या ये आप व्हाइट बोर्ड ले सकते हैं। ठीक, फोन भी आपका क्या है, चीज ही है। ठीक, वैसे ही हो तो नाउन का डिफिनेशन आपको पता है, मैं सिंपल में बताता हूँ नाउन होता क्या है। नाउन लिखा हुआ है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आपको लिखने या रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की चीज है। इसमें पूरा डिफिनेशन दे रहा है नाउन इन संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम। जैसे हमारा नाम अभय है, आप देख रहे हैं, आपका भी कुछ नाम होगा, वैसे ही पर्सन में हम लोग आते हैं। ठीक, फिर प्लेस हो गया किसी भी चीज का स्थान का नाम, जैसे कुछ भी आप कहीं जाते हैं आते हैं, जैसे आप जिस प्लेस में रहते हैं, आगरा, दिल्ली, मुंबई, पंजाब या कुछ भी स्थान का नाम ले लेते हैं। फिर तीन चीजें हो गई, जैसे कि ये मैं मार्कर दिखा रहा हूँ आपको, ये मार्कर है और आप फोन में देख रहे होंगे या लैपटॉप में या किसी भी चीज में देख रहे होंगे, वो भी आपकी एक चीज ही है। और तो जैसे टॉल हो गया, तौलिया हो गया और सब चीजें, ये सब चीजें हैं। जितनी चीजें आप बोलते हैं जिस चीज को, उसे थिंग बोलते हैं। ठीक, तो नाउन के अंतर्गत या नाउन के अंदर यही होता है, इतने थ्री चीज होते हैं इसी का, किसी भी चीज का नाम हो गया। ठीक, पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट नाउन है, जो कि संज्ञा बोलते हैं। ये बहुत ही मुख्य चीजें हैं। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिख दिया हूँ, बता दिया हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये आता है, बट होता क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? आपने कभी सोचा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आठ है या नौ है, जो भी है आठ है, तो वो होता क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए स्पीच लिखा हुआ है। ठीक, स्पीच का मतलब क्या होता है, जो कि कोई भी कहीं भी जाके कुछ चीजें बोलते हैं उसे स्पीच बोलते हैं। तो जो चीज वो बोलते हैं या जो हम बातें करते हैं वो क्या होता है, स्पीचें होती हैं। ठीक, स्पीच बोलते हैं। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे जो चीज, कभी भी हम इंग्लिश में किसी से बातें करते हैं मान लीजिए, तो हम क्या बोलते हैं, किसी से चीज बातें करते हैं तो बोलते हैं नाम, किसी पर्सन का नाम बोलते हैं, किसी प्लेस का, प्लेस के बारे में बात करते हैं या किसी थिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे मेरा मोबाइल आज टूट गया, तो मैंने बोला मेरा फोन या टूट गया, तो फोन किसके अंतर्गत, थिंग आता है, या खो गया, माई फोन गेट लॉस्ट,
तो मीन्स थिंग आ गया, हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो उसके मतलब किसके पर्सन, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर किसी प्लेस की, वहां मैं गया था, दिल्ली गया था, आगरा गया था, अयोध्या गया था, लखनऊ गया था, कहीं भी गया था, तो वही चीज हम बातें आपस में करते हैं। तो उसी के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके होते हैं, ठीक। स्पीच को पार्ट्स मतलब स्पीच के प्रकार कितने भागों में बांटा गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़े होंगे 8 होते हैं, ठीक। तो मैं आपको एक चीज और पढ़ा चुका हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है वो पढ़ा चुका हूँ। आई बटन पे जाके आप देख लीजिएगा क्या पढ़ाया हूँ। और मैं आज बता रहा हूँ आपको नाउन, नाउन के भी बहुत पार्ट्स होते हैं, नाउन के बहुत पार्ट्स होते हैं। पहले आप नाउन के बारे में जान जाइए, नाउन होता क्या है। नाउन बहुत मुख्य है, कोई भी चीज हमने बता दिया कि आप बातें करते हैं, तो यही तीन चीज, तो ये मुख्य चीज है। और इसमें बहुत ही मतलब कि इसके भी अंतर्गत, नाउन के भी अंतर्गत बहुत ही चीजें आती हैं। तो अगर आप ये इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, समझ गए होंगे आपने मैंने क्या बताया। अब चलिए आगे शुरुआत स्टार्टिंग करते हैं। 2 3 4 5, ये 5 वर्ड्स मैंने लिखा है, ये नाउन, एंडिंग ऑफ नाउन, नाउन के एंडिंग में जो वर्ड्स या कुछ भी आते हैं, जो एंड में खत्म होते हैं, एंड मतलब खत्म होना, उसके एंड में देख लीजिए क्या होता है। नाउन ऑफन कम्स आफ्टर वन और मोर एडजेक्टिव, जो नाउन नाउन के बाद में जो आते हैं, वन या वन से अधिक एडजेक्टिव आते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, ठीक, स्पीच का एक पार्ट है बोल दीजिए, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ये टॉपिक हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी आपका नाउन से मैंने स्टार्टिंग किया। एक और चीज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का बता चुका हूँ, मैं ये फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि आई बटन पे होगा, आप जाके हमसे देख लीजिएगा। तो देखिए, नाउन ऑफ इट कम आफ्टर वन और मोर एडजेक्टिव, ये तो हो गया। इंडिंग किससे होती है, ये इंडिंग इधर का है, ठीक, ये दूसरी चीज है, ठीक, अगर समझिएगा। तो इतना हो गया, नेक्स्ट देखिए क्या अंदर, या नाउन के पार्ट्स कितने हैं, टाइप्स कितने हैं, नाउन के प्रकार जान लीजिए। अगर नाउन किसी भी स्पीच में या वर्ड में या सेंटेंस में अगर नहीं रहेगा, नाउन इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स इम्पोर्ट सॉरी नाउन इज द मेन इन इन सेंटेंस, विदाउट नाउन सेंटेंस इज नॉट ए गुड, ओके। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन, यहाँ बहुत सारे नाउन होते हैं, जो कि मैं इसके बारे में बताऊंगा कौन कौन से नाउन होते हैं। चलिए आगे बढ़, ये कॉमन नाउन है, फर्स्ट आपका है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि कॉमन मतलब होता क्या है। कॉमन मतलब बहुत ही कॉमन, आप लोग प्ले करते हैं मैच या प्ले करते हैं, जो कॉमन रहता है वो दोनों तरफ रहता है, तो जो सारी तरफ हो, जो नाउन मतलब सब जगह हो, सब चीजों से मिलके बनती है, उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक नाम से बहुत सारी चीजें होती हैं, एक नाम से बहुत सारी चीजें होती हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आपका एग्जाम्पल इधर लिखते हैं, बॉयज बॉयज, फिर आपका हो गया बॉयज, सिटी, गेम एंड बुक, ठीक, ये सब कॉमन चीजें हो गई। जैसे बॉयज है, बॉयज मीन्स लड़के, लड़के को हम लड़के ही बुलाते हैं, कहीं के भी लड़के हों, इस दुनिया के या कहीं के भी हों, तो लड़के जो होते हैं वो लड़के होते हैं। तो यही हो गया, एक नाम से बहुत चीजों को बोला जाता है, उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि आपने देख लिया, बॉयज बॉयज रहेगा, लड़का ही रहेगा, उसको कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारे कोई भी लड़के होते हैं, बॉयज हो गया। अनदर आपका हो गया सिटी, सिटी कोई भी शहर हो, जैसे भारत में बहुत सारे शहर हैं, जैसे आपको मैंने अभी पहले बताया दिल्ली, बम्बई और लखनऊ, अयोध्या, ऐसे कोई बहुत सारे सिटीज हैं। तो एक नाम से, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक नाम से बहुत सारी चीजों को दर्शाया जाता है या इंडिकेट करता है, तो उसे कॉमन नाउन बोलते हैं। फिर आपका गेम हो गया, गेम आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सब गेम है। लेकिन अगर आपसे बोल रहा हूँ किसी भी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं गेम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सारी गेम आते हैं उसके अंतर्गत। अगर मैं उसका नाम लूंगा तो आगे बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक। फिर आता है आपका बुक, बुक आपकी कोई भी हो, बहुत सारी बुक होती हैं, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, कंप्यूटर, कोई भी बुक होती है, तो उसे बुक्स ही बोलते हैं। अगर हम बुक की बात या बुक्स की बात करेंगे, तो हम ये नहीं बता रहे फिक्स कोई कोई बुक है, बुक ही है, किताबें हैं, कोई भी किताब हो सकती है, शायरी की किताब या पढ़ाई लिखाई की, कुछ भी कंपटीशन की किताब या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसे हम बुक बोलते हैं, ठीक। तो आपको समझ लेना होगा कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन रिफर्ड पर्सन प्लेस और थिंग होता है, बट ये चीज आपको समझने जरूरी है, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, समझने की ज्यादा जरूरत है। अगर आप लिख भी लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो रही पलट के देख सकते हैं, फिर से आके यूट्यूब पे ही देख सकते हैं, अगर समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। तो कॉमन नाउन का मतलब हो गया कि एक ही चीज, सॉरी एक ही नाम से बहुत सारी चीज दर्शाती है, तो उसे कॉमन नाउन बोलते हैं। चलिए आगे बताते हैं। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है आपका जो है प्रॉपर नाउन, ठीक। फिर हम देख नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये लिख लीजिएगा, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, हम फिर से रिपीट करवा दे रहे हैं। नेम्स ऑफ पीपल प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से ही आपका स्टार्ट होगा प्रॉपर नाउन, स्मॉल लेटर से कभी नहीं होगा, ठीक, नेवर स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, ओके, ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी चीज हो कैपिटल लेटर से स्मॉल होती है, अगर हम उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं तब भी, मिडिल में लिखते हैं तब भी, जो कि प्रॉपर नाउन होगा वो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। फिर नेक्स्ट देखिए कौन सा ये है, संडे, रविवार। फिर आपको आता है जेम्स बॉन्ड, एक जेम्स बॉन्ड बहुत बड़े जो है जेम्स बॉन्ड जो कि बिजनेसमैन है। फिर आपका आता है सुपरमैन, सुपरमैन को हमेशा सुपरमैन कहेंगे, उसको चेंज नहीं कहेंगे, अगर सुपरमैन कह रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ सुपरमैन के बारे में। फिर आता है क्रिकेटर, क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, ठीक, तो क्रिकेटर जो खेलने वाले होते हैं। फिर आता है पबजी के बारे में बात कर लेते हैं, आप लोग बहुत गेम खेलते होंगे, पढ़ाई लिखाई करते नहीं होंगे बट गेम बहुत खेलते होंगे, तो आपका पबजी हो गया, पबजी ले लीजिए, उसको पबजी बोलेंगे। अदर किसी नाम से अगर बोल रहे हैं कि मैं ये गेम खेल रहा हूँ तो कोई भी अंडरस्टैंड या समझ नहीं पाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप फट से इसका नाम लेंगे तुरंत जान लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है अभय का ज्ञान। हाँ दोस्तों, जिस चैनल पे आपने ये वीडियो चलाया है या प्ले कर रखा है वो चैनल क्या है, अभय का ज्ञान, तो ये फिक्स नेम है, ठीक, अभय मैं हूँ, आई एम अभय, मैं अभय हूँ, तो मेरा नाम फिक्स है, मैं जब से मतलब की बॉर्न हुआ तब से मुझे अभय बोला जा रहा है और लास्ट तक अभय बोला जाएगा, तो फिक्स है। अगर अभय का ज्ञान के बारे में बात हो रही है तो हाँ हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बात हो रही है कि उनका, अगर आप यूट्यूब चैनल बोलेंगे तो फिर आपका अलग हो जाएगा। फिर देखिए फिर है एम एस धोनी, आप जानते होंगे, लीजेंड क्रिकेटर है, कौन नहीं जानता होगा एम एस धोनी को। फिर आपके आते हैं जो कि SSR, जो कि आप नाम जानते होंगे बहुत ही, देख लीजिए SSR जो कि लास्ट पहले लिखना पड़ रहा है, बहुत ही सैड न्यूज या दुखद है, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध हो गए हैं, पहले भी थे, बहुत ही अच्छे कलाकार जो एक्टर आप बोल सकते हैं, ठीक। कंसल्ट नाउन, नेक्स्ट आपका थर्ड आता है कंसर्ट नाउन। कंसर्ट नाउन के बारे में बता दें, पहले इसके डिफिनेशन सुन लीजिए फिर आप जान ही जाएंगे कि कंसर्ट नाउन होता क्या है। कंसर्ट कंसर्ट नाउन इज द फिजिकल कंसर्ट नाउन इज द फिजिकल इज द फिजिकल सॉरी कंसर्ट नाउन आर द फिजिकल इज नहीं लगेगा सॉरी आर द सॉरी द आर फिजिकल नाउन सॉरी फिजिकल नाउन नॉट फिजिकल थिंग्स वी कैन टच दिस देखिए कंसर्ट नाउन क्या होता है, कंसर्ट नाउन आर फिजिकल थिंग्स दैट वी कैन टच, फिजिकली थिंग्स होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, लाइक एज आपका यूजिंग मोबाइल दिस टाइम। एंड देखिए इसका कंसर्ट नाउन का मतलब क्या होता है, यहाँ आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार और उसके बाद मैं समझा भी रहा हूँ। कंसर्ट नाउन आर द फिजिकल थिंग्स दैट वी कैन टच, जिसे हम छू सकते हैं, कोई भी चीज ऐसी हो जिसे हम छू सकते हैं उसे बोलते हैं कंसर्ट नाउन। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे हो जाएंगे, मैं तो इतना देता हूँ और सो ऑन हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर लिखेंगे तो इसमें आएगा भी नहीं, चाहे जितना आप सोचते रहिए देखते जाइए बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, लेकिन ये आपके इम्पोर्टेंस जो क्या एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या आता है,
नेक्स्ट आपका जो कि फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर क्या है देखिएगा यहां, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, फोर्थ नंबर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके डिफिनेशन के बारे में, इसके गहराई या डीपली जाते हैं कि देखते हैं क्या होता है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द अपोजिट ऑफ कंसर्ट नाउन। समझ लीजिए इसका मतलब, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द अपोजिट ऑफ कंसर्ट नाउन, कंसर्ट नाउन का अपोजिट है, मतलब उसका उल्टा है, फिर रिवर्स या अपोजिट कुछ भी मान सकते हैं, उसका उल्टा या कुछ भी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द अपोजिट ऑफ कंसर्ट नाउन। कंसर्ट नाउन क्या था, जिसे हम टच कर सकते हैं, तो यहां क्या होगा, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसे देख सकते हैं या टच नहीं कर सकते हैं। और फिर आपके एग्जाम्पल्स देखिए कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल आपका एयर हो गया, ठीक, एयर क्या है, एयर को हम सिर्फ टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एयर को टच नहीं किया जा सकता, इसलिए ये किस नाउन में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब, अच्छा इसमें और कुछ लिखना भी बाकी है जिसे हम टच ना कर सकें, तो इसमें हम लिख देते हैं वी कैन नॉट टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द अपोजिट ऑफ कंसर्ट नाउन विच थिंग्स वी कैन नॉट द टच, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपको चलिए बताते हैं। आइडियाज, कॉन्सेप्ट, फीलिंग, लव। ठीक, एग्जाम्पल्स चार पांच आपके सामने मैंने दिया। एयर, आइडिया, आइडिया हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे हम टच नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट, फिर आपका नेक्स्ट है फीलिंग, फीलिंग आप महसूस कर सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते। फिर आपका लव भी आता है, आप लोग देखते होंगे, लव भी आपका आप टच नहीं कर सकते हैं। तो जितनी ऐसी चीजें हैं हम जिसे टच नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। इस चीज को हम गिन सकते हैं, ठीक, जिसे गिना जा सकता है, जिस चीज को वी कैन काउंट विच थिंग आर कॉल्ड ऑन काउंटेबल नाउन। ठीक, चलिए लिखते हैं, बताते हैं इसकी डिफिनेशन, एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होती है। नंबर आप देखिए काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन आर द दे आर थिंग्स वी कैन काउंट। ठीक, जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, पेन ले लीजिए, पेन। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, सेकेंड है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। फिर बॉल्स आप कहते हैं, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, बॉय या लड़के हैं किसी भी कहीं भी तो हम काउंट कर सकते हैं। कैट है, पर्सन है, फिर आपके बोतल है, काउंट कर सकते हैं। पेन है या ये मार्कर है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। तो उसे जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें यहां अगर समझ सकते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां समझने वाली चीजें हैं, लिखने वाली कुछ नहीं है। नाउन बहुत ही आसान है, बट आपको समझना होगा कैसे आसान किया जा सकता है, कोई भी चीज टफ नहीं होगी। तो स्टार्टिंग देखिए, काउंटेबल नाउन आपका क्या है पढ़ लीजिए एक बार, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। काउंटेबल नाउन आपका विच थिंक वी कैन काउंट। फिर एग्जाम्पल्स भी आपका हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के फ्रंट पे, ठीक, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए काउंटेबल नाउन, इसकी पहले समझ लीजिए क्या होता है, जिस चीज को हम काउंट ना कर सकें, ठीक, किसी भी तरह से हम काउंट ना कर सकें, उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसकी डिफिनेशन, विच थिंग वी कैन नॉट काउंट आर द अनकाउंटेबल नाउन, जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसको समझ लीजिएगा, बहुत बहुत डीपली समझना है, नहीं तो आप इसको फिर से दिक्कत होगी आपको पढ़ने में।
तो यहाँ अगर समझ जाएंगे तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स होती है आप फिर से देख के समझ सकते हैं, क्योंकि समझना है, कोई भी चीज पढ़ी या लिखी नहीं जा सकती, सिर्फ अगर समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। फिर इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ, जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते आपने, आपको मैंने बताया उसे अनकाउंटेबल बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आपके हो गए सुगर, सुगर आपके बहुत सारे कहीं भी गिर जा रहे हैं या आपके घर में जो है उसको निकाल के एकदम बैठने बैठ जाइए गिनने। अगर गिन लीजिएगा तो आके कमेंट कीजिएगा और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि आपने गिन लिया। फिर आता है स्टार, स्टार जानते हैं आप, ऐसे ऊपर देखते हैं दो चार स्टार हो गए, वही नहीं हो गए, आपको सारे गिनने हैं तो आप कभी नहीं काउंट कर सकते हैं। फिर आपका आता है वाटर, वाटर ऐसे हाथ में लीजिए या गिलास में लीजिए, बोतल में लीजिए, काउंट करके दिखाइए फिर आइएगा यहाँ, ठीक, इसे भी नहीं काउंट किया जा सकता, ठीक। फिर आता है हैप्पीनेस, आपके घर में खुशियां हैं, बहुत सारी खुशियां, उसको काउंट करिए देखिएगा कितना होती है, नहीं काउंट किया जा सकता, ये भी नहीं काउंट करिए। फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं शो ऑन, बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। आगे चलिए देखते हैं, बताते हैं नेक्स्ट नाउन के बारे में किया जा सकता है, जिसे कलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं कलेक्टेड नाउन। अभी आपने कहा होगा कि सर आपने अभी बताया कि काउंटेबल नाउन होता है, कलेक्टिव और काउंटेबल में बहुत सारे अंतर होते हैं, देखिएगा उसको काउंट करना होता है, गिनना है, इसे कलेक्ट करना या ऐड करना होता है, आप उसमें अलग चीज है, उसमें गिनना है, फिर यहाँ कलेक्ट करना, किसी भी चीज को जोड़ना या बनाना है, ठीक, किसी भी चीज को जोड़ना या बनाना है, मिक्स करना है, तो उसे बोलते हैं कलेक्टिव नेशन। कलेक्टिव नाउन डिनोट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी चीज की ग्रुप या समूह, कोई भी चीज हम बनाते हैं, जैसे नाउ डेज में आप लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे तो उसमें भी ग्रुप्स रहते हैं, ग्रुप रहता है ना, ग्रुप रहते हैं, तो वो ग्रुप किस कैसे बनाया जाता है, कोई भी चीज कलेक्ट करके, किसी भी पर्सन को, बहुत सारे पर्सन है, मान लीजिए आपके यहाँ चार ही पांच है या बहुत जगह 10-12 है, तो उसे कलेक्ट कर लिया गया, उसे जोड़ दिया गया, मिला लिया गया, तो उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक। देखिएगा इसका कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपके डिफिनेशन हो गए, एग्जांपल्स पे नजर रखते हैं, ठीक। देखिए इन सॉरी कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल कौन कौन से हैं, पहला आपका हो गया क्लास, क्लास क्या है, स्टूडेंटों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जहां विद्यार्थी मिल जाते हैं वहां आपके हो जाते हैं क्लास, पूरी क्लास बन जाती है, 10-12 स्टूडेंट को मैंने एक कमरे में या कहीं बैठा दिया, वहां पढ़ा रहा हूँ, जैसे पढ़ाता हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो वहां क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो उसे मैंने क्लास को नाम दे दिया, क्यों, क्योंकि मैंने कलेक्ट किया, स्टूडेंट्स को कलेक्ट किया, एक जगह बैठा दिया, पढ़ा रहा हूँ, वो क्या हो गए, ग्रुप्स हो गए, समूह हो गए, किसके, स्टूडेंट के, एक एक स्टूडेंट मिलकर पूरा क्लास हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट है प्राइड, प्राइड किसे बोलते हैं जानते होंगे, एक लॉयन है उसे लॉयन बोलते हैं, जहां बहुत सारे लॉयन हो गए, बहुत सारे का मतलब आपने पढ़ा ही होगा क्या होता है सिंगुलर और प्लूरल, या आपको बाद में पढ़ाएंगे क्या होता है एकवचन या बहुवचन इन इंग्लिश। फिर टीम है, टीम क्या होती है, कैसे बनती है, प्लेयरों का ग्रुप होता है, ठीक, प्लेयर्स होते हैं तो उनका ग्रुप बना के हम क्या बोलते हैं, उसको टीम बोलते हैं। तो जहां किसी भी चीज को कलेक्ट किया जा सकता है, कलेक्ट करके हम जोड़ देते हैं, वहां क्या हो जाता है, समूह, मान लीजिए ग्रुप मेन समूह, किसी भी चीज को समूह बना लिया जाए, ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, आठवां है आपका मटेरियल नाउन। नाम से ही सभी नाउनों का हमको पता हो जाता है, पर उसके बारे में डीपली जानना बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। मटेरियल नाउन, मटेरियल आपने पढ़ा हो गया, जानते होंगे मटेरियल क्या होता है, मटेरियल नाउन मींस कोई भी चीज या कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ जानते हैं ना, पदार्थ, मटेरियल मींस पदार्थ होता है, ठीक, तो कोई भी किसी भी चीज से बना होता है ना वो, या आप कह सकते हैं भारी होता है, ठीक, तो उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। इसकी डिफिनेशन के बारे में जानते हैं, डिफिनेशन क्या है उनके बारे में जानते हैं, मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, मटेरियल और सॉरी आर हुआ है, मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जो चीज किसी भी सब्सटेंस से मिलकर बनती है उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, किसी भी चीज हो गए उससे बनती है, सब्सटेंस से बनती है, छोटे छोटे कणों से जो भी चीज बनती है उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल से बनता है उसे बोलते हैं सिल्वर। फिर आपका होता है गोल्ड, गोल्ड भी सब्सटेंस से बना होता है इसलिए हम उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन, किसी मटेरियल को। फिर आपका आता है आयरन, फिर डायमंड भी आपका बना होता है, फिर प्लास्टिक होती है, छोटी छोटी चीजें उससे मिलकर बनती है उसे हम बोलते हैं, सब्सटेंस से मिलकर बनती है उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन भी आप समझ गए, यही नाउन जो होता है यहीं से फिनिश हो जाता है, ठीक। नाउन्स के आपके हमने बारे में बता दिया, नाउन होता क्या है, ठीक, इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं
कैसे क्या उसमें प्लूरल सिंगुलर कैसे यूज किया जाता है, जो कि पॉइंट्स हैं, हम उसके आपको बताएंगे नाउन के पॉइंट्स, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, इसका पार्ट सेकेंड होगा। तो थैंक यू फॉर इस अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट नाउन। थैंक यू सो मच।